हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। आज की वीडियो यह एग्जास्ट कूलर फैन है जो कि पूरी तरह से जाम है। यह देखिए दोस्तों, घुमाने पर भी यह घूम नहीं रहा है। तो आज की जो वीडियो है इसी एग्जास्ट फैन के बारे में है, जिसके कि हम बैरिंग को चेंज करेंगे। तो हमने इसकी ब्लेड बाहर निकाल ली है, तो सबसे पहले हम इसे सीरीज बोर्ड में टेस्ट करते हैं। तो देखिए बल्ब हमारा जल रहा है, इसका मतलब हमारी कूलर फैन बाइंडिंग सही है। तो अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। कनेक्शन बाहर निकालने के बाद हम एक बार फिर इसको सीरीज बोर्ड से टेस्ट करेंगे। यह इसका 6 MFT का कैपेसिटर है। इसमें 4 वायर बाहर निकाले गए हैं, जिनमें 2 रनिंग कॉइल के हैं और 2 स्टार्टिंग कॉइल के हैं। रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल को पहचानने के लिए हम सीरीज बोर्ड का उपयोग करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम सीरीज बोर्ड से टेस्ट कर लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, सीरीज बोर्ड हमारा सही दिखा रहा है। कैपेसिटर वायर में हमेशा बल्ब धीमा जलता है, तो हम समझ जाते हैं कि वह कैपेसिटर वायर हैं। तो चलिए अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसकी बाइंडिंग पूरी तरह से ओके है, पर इसका बैरिंग जो है यह पूरी तरह ख़राब हो गया है। तो इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले इस ढक्कन में लगी हुई रिपटों को बाहर निकालते हैं। इसे निकालने के लिए हम किसी नुकीले कीले का उपयोग कर सकते हैं और ढक्कन के नीचे किसी नट की ढिबरी या पुराना बैरिंग या पुराना बुश भी रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम बैरिंग के ऊपर ढिबरी को रखकर एक लोहे की कीले की सहायता से इन रिपटों को बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार हम इस ढक्कन में लगी हुई सभी रिपटों को बाहर निकाल लेते हैं। बैरिंग की सपोर्ट के लिए यह पत्ती ऊपर से लगाई जाती है ताकि बैरिंग चलते वक्त वाइब्रेट ना करे। तो देखिए दोस्तों, हमने बैरिंग पत्ती की सभी रिपटों को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया है। बाहर निकालने के बाद हम देखते हैं कि हमारा बैरिंग ख़राब हो गया है, तो इसमें हम नया बैरिंग ऐड करेंगे, जिसका कि नंबर है 6202। इस 6202 बैरिंग को हम एग्जास्ट कूलर फैन के ढक्कन में सेट कर लेते हैं और ऊपर से यह पत्ती में रिपटों को ठोक लेते हैं। यह रिपट है जिसे कि हम एक लोहे की राड की सहायता से आसानी से
लगा लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम रिपट को रखते हैं और एक लोहे की राड की सहायता से ठोक कर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसी प्रकार हम सभी रिपटों को धीरे धीरे ठोक लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम सभी रिपट ढक्कन में ऐड कर लेते हैं और यह हमारा ढक्कन अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। इसी प्रकार हम दूसरे ढक्कन में से भी बैरिंग को बाहर निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इस बैरिंग को भी इसी प्रकार बाहर निकालते हैं। यह कूलर फैन का एग्जास्ट मोटर है जो कि उल्टी दिशा में घूमती है और काफ़ी अच्छी स्पीड में हवा देती है। तो देखिए दोस्तों, इस बैरिंग का नंबर भी 6202 है जिसे हम इस ढक्कन में ऐड कर लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, बैरिंग को अच्छी तरह ढक्कन में बिठाने के बाद हम इसके ऊपर बैरिंग पत्ती को रिपट की सहायता से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस ढक्कन में भी हम इसी प्रकार रिपट लगाकर इस बैरिंग पत्ती को सेट कर लेते हैं। और यह देखिए दोस्तों, हमारे दोनों ढक्कन बैरिंग लगाकर तैयार हो गए हैं। अब अगला कार्य बैरिंग में रोटर को डालकर घुमाकर देखते हैं तो यह काफ़ी अच्छा वर्क करने लगा है। अब हम इसको मोटर में सेट कर लेते हैं। यदि दोनों पलवे अच्छी तरह से सेट नहीं होते हैं तो हम एक रोड लोहे की रॉड या लोहे की पाइप की सहायता से इस प्रकार ठोकते हैं तो यह एक दूसरे में सही बैठ जाते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हम इन कनेक्शनों को कंप्लीट कर लेते हैं और अब हम इसे डायरेक्ट एसी में लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी एग्जास्ट कूलर फैन मोटर काफ़ी अच्छी घूमने लगी है और वर्क कर रही है। अब इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार हम एक एग्जास्ट कूलर फैन के बैरिंग को आसानी से बदल सकते हैं। यह देखिए दोस्तों,
अब हम इसके बैक कवर को लगाकर ब्लेड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ब्लेड लगाने के बाद अब हम इसे चलाकर देखते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमारा एग्जास्ट कूलर फैन अच्छी तरह से घूमने लगा है, वर्क करने लगा है। तो वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।